हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, एक गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो व्हिच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट द वन ऑफ द नंबर एंड व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट इट। यानी कि एक स्पेलिंग व्हील है और यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हैं और ये पॉइंटर है वो तो फिक्स है, तो वो स्पिनिंग व्हील पे पॉइंटर कहाँ पे वो अटकेगा स्पिनिंग व्हील, उसके हिसाब से मुझे ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब देखिए हमने कैसे लिखना है वो अपने अगले लेक्चर में हमने देख लिया कि हाउ टू राइट प्रोबेबिलिटी सम, मीन्स फर्स्ट वी हैव टू राइट इवेंट, देन पर्टिकुलर इवेंट नेम, इट्स अ फेवरेबल आउटकम, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एंड देन यू फाइंड आउट द आंसर। ओके, तो अब क्या है, एक गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन नंबर, एक नंबर पर ये पॉइंटिंग है वो रहेगा। तो अब देखते हैं आगे कि हमारे पास नंबर्स कितने हैं। हमारे पास नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, यानी कि मेरे पास 8 नंबर है। अब पहला क्या बोल रहे हैं वो, अगर 8 नंबर पे खड़ा रहेगा तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या, 8 नंबर पे अगर वो खड़ा रहता है तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या, यानी कि 8 नंबर हमारे पास कितनी बार है, ओनली फॉर वन टाइम। सो अब फेवरेबल आउटकम इज 1, अगर मैं इसका इवेंट ए बोलूं तो इसका आंसर आएगा 1/8, यानी कि 8 नंबर एक ही बार आ रहा है, पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास कितने हैं, 8। ये है टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज इक्वल टू 8 और हमारा जो फेवरेबल आउटकम है वो 1, सो आंसर इज 1/8। चलो नेक्स्ट, एन ऑड नंबर। अब इसमें से आप ऑड नंबर ढूंढ लो, तो ऑड नंबर कौन सा आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, यानी कि मेरा फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, 4। तो मेरा प्रोबेबिलिटी होगा इसका 4/8, यानी कि 1/2। एंड ऑड नंबर आने का प्रोबेबिलिटी है हमारा 1/2। इन नंबर ग्रेटर देन टू, यानी कि यहां से ये पूरा इतना नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि मेरे पास ये जो नंबर है ग्रेटर देन वो नंबर कितने हैं, 6। तो मेरा आंसर आएगा 6/8, 2 2 कट 3/4 इज माय आंसर, राइट। इन नंबर लेस देन 9, इन नंबर लेस देन 9, यानी कि हमारे पास जो भी नंबर है वो लेस देन 9 ही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि पूरे के पूरे, यानी कि वी हैव द फेवरेबल आउटकम इज 8, सो आंसर इज 8/8 इज इक्वल टू 1। इसका आंसर क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी अगर ये डी होगा तो इसका आंसर आएगा 1, ABCD। चलो नेक्स्ट, नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर। ये सब एनसीईआरटी में नहीं है, मैंने अपने और से लिख लिया है। इन नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर यानी कि किसका हम रूट निकाल सकते हैं वो नंबर, तो जिसका भी हम रूट निकाल सकते हैं, अगर एक ए वन का रूट निकाल सकते हैं, रूट फोर का निकाल सकते हैं, और कोई नंबर है जिसका हम रूट निकाल सकते हैं, नहीं है ना, यानी कि मेरे पास दो ही नंबर है जो विच इज परफेक्ट स्क्वायर, वो कौन कौन से है, 1 और 4, 1 और 4, यानी कि मेरा फेवरेबल आउटकम हो गया 2, टोटल है नंबर आउटकम इज 8, आंसर इज 1/4, समझे कि नहीं। सिक्स, एक प्राइम नंबर यानी कि इज नॉट डिविजिबल बाय अदर नंबर, इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, जो किसी को कोई डिवाइड नहीं कर सकता वन और उसी नंबर के अलावा, उसके हम बोलते हैं प्राइम नंबर। तो हमारे पास प्राइम नंबर का लिस्ट है, एक तो 2, दूसरा आएगा 3, उसके बाद आएगा 5, उसके बाद आएगा 7। तो प्राइम नंबर मेरे पास कितने हो गए हैं, 4, तो हमारा आंसर आएगा 4/8 इज इक्वल टू 1/2।
इन नंबर मल्टीपल ऑफ थ्री, यानी कि थ्री के टेबल में जो भी नंबर आएगा वो, तो थ्री के टेबल में आएगा एक तो थ्री, थ्री टू सिक्स, उसके बाद आ नहीं सकता, यानी कि मेरे पास ओनली टू नंबर है, तो मेरा आंसर आएगा टू बाई एट इज इक्वल टू वन बाय फोर। सत्य कि नहीं? इन नंबर इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, प्राइम नंबर तो हमने ढूंढ लिया ना यहाँ पे, प्राइम नंबर कौन सा है, टू थ्री फाइव एंड सेवन, ये सब प्राइम नंबर है, और इसमें भी इवन वाला कौन सा है, इवन वाला एक ही है हमारे पास टू, सो वी हैव प्रोबेबिलिटी इज वन बाय ए, इवन प्राइम नंबर एक ही है हमारे पास दो, या बराबर, कोई भी सम में आप इवन प्राइम नंबर अगर ढूंढना है तो वो एक दो ही आएगा, तो हमारा आंसर आएगा वन बाय एट, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आउटकम है एट। समझ लीजिए आप, और आप अच्छी तरह इसको लिख लीजिए, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आंसर लिखना है, तो अच्छी तरह से लिखना है। ओके हाँ, तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 19, ये दोनों क्वेश्चन रिलेटेड अबाउट डाइस विच थ्रोन वन टाइम्स। अगर मेरे पास डाइस है और उसको मैं थ्रो करूंगा और उसके साथ जो नंबर्स आएंगे उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, इसी के रिलेटेड ये सम है। तो चलते हैं, चलो हम डाइस थ्रो करने जा रहे हैं, मामा सकुनी बन जाते हैं। ए डाइस इज थ्रोन वंस, अगर मैंने एक बार ये डाइस को थ्रो कर दिया तो नंबर कौन से आएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, तो मेरे पास नंबर आएंगे वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, यानी कि टोटल नंबर मेरे पास है छह, सो टोटल आउटकम ऑफ नंबर इज इक्वल टू सिक्स। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी है फाइंड द प्रोबेबिलिटी द गेटिंग प्राइम नंबर। अब ये कंफ्यूजन मत करो, प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर यानी कि वो किसी से भी डिवाइड नहीं होगा अगर वही खुद नंबर होगा। नंबर इट इज नॉट डिविजिबल बाय अदर नंबर, इट डिविजिबल बाय इटसेल्फ, वही उसको प्राइम नंबर हम बोल सकते हैं। तो हमारा प्राइम नंबर है, स्टार्ट होगा यहां से, एक तो दो आएगा, तीन आएगा और ये पांच आएगा, ये तीन प्राइम नंबर है। वन टू सिक्स में प्राइम नंबर कितना है, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, वन लिख लेते हैं, वन इज अ प्राइम नंबर, वन इज नॉट ए प्राइम नंबर, बराबर। तो प्राइम नंबर स्टार्ट कहां से होता है, टू थ्री फाइव और आगे बढ़ता जाएगा। चलो, तो अब मेरा फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, तीन। अगर मुझे प्रोबेबिलिटी, अगर ये इवेंट ए है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो आंसर आएगा मेरा थ्री बाय सिक्स। इसको हम अगर सॉल्व करें तो क्या होगा, वन बाय टू इज अवर आंसर। सेकंड क्वेश्चन, इन नंबर लाइन बिटवीन टू एंड सिक्स, बिटवीन लिखा है, बिटवीन लिखा है, यानी कि दो और छह के बीच में कौन कौन आता है, तीन चार और पांच, बीच में तो यह आएगा ना, बीच में थ्री फोर फाइव। तो इसका अगर मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करूंगा तो फेवरेबल आउटकम वन टू थ्री, टोटल नंबर आउटकम सिक्स, तो आंसर आएगा वन बाय टू। एंड ऑड नंबर, अब ये ऑड नंबर क्या है, ऑड नंबर तो हमें आगे भी देख लिया ना, ऑड नंबर यानी कि वन होगा, थ्री होगा, फाइव होगा, ऐसा 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 बढ़ता जाएगा, लेकिन हम तो सिक्स के, हमारे बाउंड्री तो सिक्स ही है, तो ऑड नंबर मेरे पास आ गई तीन। अगर ये इवेंट सी है तो प्रोबेबिलिटी आएगी थ्री बाई सिक्स, यानी कि आंसर आएगा वन बाय टू, यानी कि तीनों का आंसर सेम ही आया। तो ये आपका एनसीईआरटी के बुक में इतना है, मैंने थोड़ा और क्वेश्चन डाल लिए जो आपके एग्जांपल में भी है, सिंगल थ्रो डाइस। नंबर एट,
अब कहीं बोल के नंबर एट ले, नंबर एट है ही नहीं, क्या करूं? अरे भैया, अरे सिक्स में नंबर एट नहीं है तो आपको नंबर एट मिलेगा क्या डाइस पे? नहीं मिलेगा ना, तो आपका आपका चांस कितना हो गया? जीरो। यानी कि प्रोबेबिलिटी अगर मैं ये इवेंट डी है तो 0/8, यानी कि आंसर जीरो, इट नॉट पॉसिबल यार, एट नंबर आ ही नहीं सकता ना डाइस पे, छह छह तक होते तो एट नंबर कहां से आएगा। द नेक्स्ट, नॉट नंबर फाइव, पांच नहीं है, पांच नहीं है तो और कितने नंबर है मेरे पास? वन है, टू है, थ्री है, फोर है और सिक्स है। यानी कि मेरा आउटकम कितने हो गए? फेवरेबल, फाइव। अगर ये इवेंट ई है तो मेरा नाम फेवरेबल आएगा, 5/6। अब इसको और दूसरी तरह भी कर सकते हैं, मैं इसको अगर ये नॉट निकाल दो नंबर फाइव, तो नंबर फाइव यानी कि वो एक ही बार है, तो ये हो गया 1/6। अब नॉट फाइव यानी कि नॉट ई करके क्या लक्षण है? 1-PE, 1-PE, तो क्या होगा? 1-1/6, 6-1/6, तो आंसर आ जाएगा आपका 5/6। या आप ऐसे भी ला सकते हो और ऐसे भी ला सकते हो, सिंपली आप कैलकुलेशन कर सकते हो और ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का यूज करके भी आप ला सकते हो। नंबर लेस देन और इक्वल टू फोर, नंबर लेस देन और इक्वल टू फोर, ये इसका साइन है, नंबर लेस देन फोर और इक्वल टू, यानी कि मेरे पास एक दो तीन और चार नंबर है। यानी कि अगर मुझे ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करना, ए बी सी डी ई एफ फाइंड करना है, तो 4/6 यानी कि 2 2 कट, 2/3 इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 एक अनदर है, ए डाइस होज अ सिक्स फेसेस, ए बी सी डी ई, अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो कहीं कोई बार ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, ई आएगा, ए आएगा, यानी कि मेरे पास है टोटल नंबर ऑफ आउटकम इक्वल टू सिक्स। अब देखो क्या चाहिए मुझे, गेटिंग ए का प्रोबेबिलिटी चाहिए, गेटिंग ए, गेटिंग ए, देखो ए कितनी बार है, ये एक बार, ये दो बार, यानी कि फेवरेबल आउटकम कितना है? दो। टोटल आउटकम कितने है? सिक्स। आंसर आ गया 1/3। नाउ डी, डी कितनी बार है? एक, यानी कि 1/6, ये होगा आपका आंसर। देख लीजिए आप, ये ऐसे डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है, मैंने अगले लेक्चर जो आपने दिया था उसमें कैसे शो करना है वो हमने डिस्कशन किया था, उसके हिसाब से लिखना है। ये सब आपको सिखाने के लिए, मार्क्स लाने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप थोड़ा लिखना पड़ेगा। ओके।